नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क और स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम मुखिया जी कहिन में। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के मोहिउद्दीनपुर पकड़ी पंचायत में। वैसे तो मोहिउद्दीनपुर पकड़ी की जो मुखिया है उनका नाम है नफीजा खातून, ये जो शख्स बैठे हैं इनका नाम जुबैर आलम है, ये इस पंचायत की जो मुखिया है उनके कार्यवाहक एक तरह से कह सकते हैं मुखिया प्रतिनिधि हैं ये। तो इनसे जानेंगे क्या कुछ इन्होंने किया बीते वर्ष में विकास का कार्य अपने पंचायत के लोगों के लिए और इस पंचायत के लिए। तो आइए सीधा रुख करते हैं मुखिया जी की प्रतिनिधि की और जानते हैं इस पंचायत के बारे में। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। प्रणाम सर। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, पहली बार आप मुखिया बने हैं, कैसा लग रहा है मुखिया बनके? मुखिया बनके मुझे जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है, जहाँ भी काम करते हैं तो वहाँ के जनता बहुत खुश होते हैं कि जो पिछले मुखिया नहीं कर पाया वो आपके रीजन में हमें जैसे रास्ता वगैरह नली गली ये सब का काम विकास का काम आप अच्छा कर रहे हैं, ये हमें समाज का प्यार मिल रहा है। अच्छा, बात करेंगे योजनाओं की, नल जल योजना के तहत कितना कार्य हुआ है आपके पंचायत? नल जल योजना तो समझिए कि धरातल पे नहीं है, फिर भी अभी जो सरकार फेस टू का काम शुरू करवाए हैं रिपेयरिंग के लिए वो सारे वार्ड में काम चल रहा है। अच्छा, जिसमें अभी 4-5 वार्ड जो है क्लियर हो गया है और जो बाकी है उसमें वर्क चल रहा है। काम चल रहा है सब? जी जी जी, काम चल रहा है सब। और भी योजनाएं जैसे सस्टम योजना हो गए, 15वीं योजना हो गई, इसके तहत क्या क्या कार्य हुआ आपका पंचायत में? कस्टम और 15वीं से सर रोड नाला सड़क गली छठ घाट ये सब का विकास हुआ है, ये सब काम करवाएं। अभी काम करवाएं कि काम चल रहा है? काम चल भी रहा है और करवाए भी है। करवाए भी, पूर्व में काम हो भी गया? जी जी जी, हो भी। प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने लोगों को लाभ मिला है इस पंचायत? प्रधानमंत्री जब से हम जीत कर आए हैं सर, अभी तक विभाग से लेटर नहीं आया है कि प्रधानमंत्री आवास दिया जाए या शुरू किया जाए। ऐसा क्यों हुआ है? अब ऐसा तो सरकार का जो गाइडलाइन दिशा निर्देश होगा उसी के हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे। पीछे साल जनवरी में एक लेटर निकाले थे कि भाई 10 दिन के अंदर सभी का आवेदन जमा लो, और 5 दिन आवेदन जमा लेने के बाद फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद अभी तक कोई उसका दिशा निर्देश लेटर वगैरह नहीं निकाला गया, जिसलिए जिस तरह जिधर भी जाते हैं समाज मेरा प्रधानमंत्री आवास, मेरा प्रधानमंत्री आवास, मेरा मुख्यमंत्री आवास। तो हम लोग यही सवाल करते हैं कि सर जिस दिन गवर्नमेंट के तरफ से आदेश आ जाएगा उस दिन हम लोग आपके लिए काम करेंगे। अच्छा। जो जिनको लाभ नहीं मिला है उनको मिलेगा लाभ। सभी पंचायतों में लोगों को लाभ मिल रहा, इसी पंचायत में नहीं मिल पा रहा? असल में है क्या कि पीछे 5 वर्षी में जो मुखिया थे उसमें मेरे यहाँ फाइल डाउनलोड नहीं हुआ था। अच्छा। और जिन पंचायत में लोड हो गया था प्रधानमंत्री आवास वहाँ काम चल रहा है, मेरे यहाँ खाली पड़ा था इसलिए काम यहाँ नहीं हुआ। अच्छा, पूर्व मुखिया के द्वारा किया गया था? जी जी जी, अगर उस टाइम में लोड करवा दिए होते तो मेरे रीजन में भी सबको मिलता, खाली रहने के कारण यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया। तो उस चीज़ पे काम चल रही है अभी? जी जी जी, लेटर जैसे सरकार का आदेश आएगा हम लोग उसको जो है लाभ को पहुँचाएंगे लाभ। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत? हाँ हाँ, मेरे पंचायत में मिल्की टोला एक गांव है, वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे हाँ अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर टाइम से आते हैं, टाइम से ड्यूटी करके जाते हैं, वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर रोज आते हैं, डेली बैठते हैं डॉक्टर? हाँ हाँ, रोज आते हैं। एनएम वगैरह आती हैं? जी जी हाँ। स्कूल है आपके पंचायत? स्कूल प्राथमिक विद्यालय है, प्लस टू तक है, विद्यालय है, प्लस टू एक बेसिक हाई स्कूल वहाँ टोला मिल्की टोला में जी। वहाँ भी सभी टीचर समय पे आते हैं, हम बराबर जाते आते रहते हैं, सबसे मुलाकात बात करते रहते हैं। सारी सुख सुविधा है वहाँ? जी जी जी, सारी सुविधा, शौचालय भी है, पानी का भी साधन है और टेबल बेंच सब चीज़ का साधन है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। टीचर वगैरह भी टाइम टू टाइम आ रहे हैं? जी जी जी, टीचर वगैरह भी समय से आते हैं, ड्यूटी करके जाते हैं। और अभी आपके पंचायत में किस चीज़ की कमी है? अभी फिलहाल सर ये मेरा वार्ड जो है पर्सनल 9 वार्ड में हम पढ़ते हैं और एक प्रतिनिधि होने के नाते एक लेटर दिया था जल नल के लिए, जल मीनार के लिए। अच्छा। BDO साहब को करीब 6 महीना पहले एक लेटर दिए कि 250 घर की आबादी है यहाँ पे, अभी तक एक पाइप या टोटी नहीं पहुँचा। यहाँ वार्ड संख्या 9 में 750-800 करीब वोटर हैं। अच्छा। जिसमें एक जल मीनार जो वहाँ गड़ा
उससे कुछ आदमी को लाभ मिलना चाहिए, जिसके कारण वो उधर के आदमी को तो मिल गया, लेकिन हम लोग 250 आदमी को मिल गया। इसी वार्ड में उधर है ये साहू जी का मोहल्ला और कुछ खान जी का है, उन लोगों को तो मान लीजिए लाभ मिला। लाभ क्या मिलेगा, चालू ही नहीं है तो लाभ मिलेगा क्या? अच्छा। तो उसको मरम्मती का काम हम करवा रहे हैं, तो उधर से तो वो टेकअप हो जाएगा, लेकिन ये 250 जो आदमी है इधर, अभी तक इन लोगों के लिए जो है सो कोई सुविधा नहीं है, न जल न नल न कुछ। इसीलिए हम कहा कि एक जल मीनार यहाँ पे हो जाए जो इन लोगों को हम पानी पहुँचा दें। तो क्या कहा वीडियो साहब ने, आपने इस समस्या लेकर गए? कहा कि आप लेटर दीजिए, हम लेटर DPRO साहब को फॉरवर्ड करेंगे। DPRO साहब को आप फॉरवर्ड किए नहीं किए, हम लेटर दिए जिसका रिसीविंग मेरे पास है, अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं। कितने दिन हो गए? लगभग 5-6 महीना हो गया होगा, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कुछ दिए कि नहीं? हाँ, कहे कि एकदम लगना चाहिए। हाँ, हमारा भी है ख्वाहिश की भाई मेरे रीजन में इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और कुछ मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हमारी मांग यही है, स्ट्रीट लाइट जो अभी कह रहे हैं लगाने के लिए, सोलर स्ट्रीट लाइट जी, जो ब्रेडा को दिया गया है, ब्रेडा को दिया गया है। तो हम लोगों का मांग था गवर्नमेंट से कि अगर मेरे प्रतिनिधि के थ्रू अगर हो जाता है तो उसमें अच्छा से अच्छा वर्क होगा। वो तो ब्रेडा वाले क्या करेंगे, जो आया समाज वो लगा के वो निकल जाएंगे। अच्छा। लेकिन फिर जब हम उसको तलाशेंगे तो वो वक्त पे नहीं मिलेगा, और लोकल एजेंसी को अगर देते हैं तो वो बराबर अगर कहीं पे ख़राब हो गया या चाहे टूट फूट गया तो उसको एक बार कॉल करेंगे तो दौड़ के आएगा। ये परेशानियाँ थी कि कम से कम ब्रेडा को न देखे, पंचायत स्तर से ही अगर काम करवा लिया जाता तो बेहतर था। ब्लॉक लेवल पे अगर कोई आवेदन लेके आप जाते हैं या हम, तो पहले स्टाफ कहता है कि भाई पहले इसका खर्चा दे दो, खुलेआम फोन पे भी बात करता है। अच्छा। ये नहीं, पहले तो डर था कि भाई पहले खर्चा दे दो उसके बाद काम आगे होगा, तब काम होगी आगे। यही तो है आजकल, पैसा दीजिए तब काम कीजिए, बगैर पैसे ये नहीं कि हाँ काम कर दीजिए पैसा बाद में लीजिएगा, सो नहीं, ये तो भ्रष्ट हो गया है समझिए। चलिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति परेशान है, ये मुखिया प्रतिनिधि हैं, ये खुद परेशान है, जब जनप्रतिनिधि परेशान है तो आम आदमी का क्या हाल हो सकता है बिहार में, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी सरकार को इस पे नज़र रखनी चाहिए। इन्होंने कहा कि घुसखोरी चरम सीमा पे है बिहार में, हर जगह ये चल रहा है, तमाम रूप से चल रहा है बिहार में, और इस पे कोई भी कार्रवाई कोई भी एक्शन नहीं होता है, ऊपर से नीचे तक सभी बिके हुए हैं। बस यही विनती है इनकी कि हमारे चैनल के माध्यम से इनकी आवाज़ पहुंचाई जाए सरकार तक, और सरकार इनकी आवाज़ सुने कि जो भी इनकी पंचायत में दिक्कत है उनको सॉल्व करे और आगे पंचायत का विकास करने में इनकी मदद करे, सहयोग करे सरकार। बस इसी सब मुद्दों को लेके हम फिर से आपके साथ मिलेंगे एक और पंचायत में। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ निशांत कुमार।